तालचेर रोड अंगुल रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया गया है। पहली पैसेंजर ट्रेन जो कि भुवनेश्वर बालांगीर इंटरसिटी, ये देखिए किस तरीके से इस ट्रैक से होकर गुजर रही है। ये ट्रैक जोरदार बारिश के चलते बह गया था। यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी और इस दुर्घटना में एक मालगाड़ी 9 डिब्बों समेत पटरी से उतर गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में वो मालगाड़ी भी पड़ी हुई है, उसके डिब्बे भी हैं, उनको हटाया गया है और इस ट्रैक को रेलवे ने बड़ी मुस्तैदी के साथ ठीक कर दिया। आप सोच सकते हैं कि 14 सितंबर की ये घटना थी और उसके बाद रात दिन लगकर इस ट्रैक को ठीक कर दिया गया, इसको फिर से दुरुस्त किया गया और यहाँ पर पहली ट्रेन गुजर चुकी है, बाकी ट्रेनें भी यहाँ पर निकल रही हैं। और ये देखिए ये दुर्घटना किस तरीके से भयानक थी, इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की दुर्घटना थी। डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे और ये दरअसल हुआ ये था कि 14 सितंबर को एक डीप डिप्रेशन ओडिशा के ऊपर से होकर गुजर रहा था और उस वजह से वहां भयानक बारिश चल रही थी और इस जबरदस्त बारिश में इस ट्रैक पर कई जगह पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी बह गई। साथ ही साथ ये जो पुलिया थी इसके पास का एक हिस्सा बहाव में बह गया और ड्राइवर को जब ये पता चला, जब तक उसने ब्रेक मारा तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। 9 डिब्बे भरे हुए डिब्बे, अनाज से भरे हुए डिब्बे पटरी से उतर गए थे और उसके बाद रात दिन काम करके इसको ठीक किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डिब्बे थे उनको हटाया गया और ये जो ट्रैक पर पड़े हुए डिब्बों को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि भरे हुए डिब्बे थे जिनमें अनाज भरा हुआ था, तो उनको बड़ी बड़ी क्रेन लगाकर हटाया गया और रात दिन काम किया गया। 14 सितंबर दोपहर से ही ये काम शुरू कर दिया गया क्योंकि इस ट्रैक पर ढेर सारी ट्रेनें हम कह सकते हैं इधर उधर रुकी हुई थी, क्योंकि ये ढेंकानाल संभलपुर रेल सेक्शन है और यहाँ पर चलने वाली तमाम ट्रेनें हम कह सकते हैं पूरी तरीके से ठप हो गई। कई जगहों पर रेलवे ने जो रेलवे यात्री फंसे हुए थे उनके खाने पीने की व्यवस्था की और उनको दूसरे रूट से डाइवर्ट करके उनकी जगहों पर पहुंचाया। यानी एक बड़े स्तर पर रेलवे का ट्रैफिक हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, यानी उड़ीसा जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। तो उसके बाद यहाँ पर पूरी ताकत लगाई गई और खास तौर पर अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की ये खूबी है कि इनके पास ढेर सारे इंजीनियर्स, ठेकेदार, मजदूर, हर तरीके की चीजें हैं और पूरी ताकत के साथ इस पूरे रूट को दुरुस्त किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना में पूरा रूट प्रभावित हुआ था और उसको दुरुस्त कर दिया गया। और यहाँ पर दुरुस्त होने के बाद आप एक बार फिर से देखिए पहली ट्रेन कैसे निकली। ठीक।